साथियों, मेरा निवेदन है मिशन आर्यावर्त यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध मिशन आर्यावर्त ऐप को जरूर डाउनलोड करें। मिशन आर्यावर्त ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर के मिशन आर्यावर्त ऐप को डाउनलोड करें। यज्ञ जो मानव जीवन का जिसे बहुत बड़ा और मानव जीवन का नहीं सभी प्राणियों का लाभ होता है। जीवन में तीन स्थितियां बनती हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक है। वैसे तीन पदार्थ अनादि हैं, नित्य है। अनादि का अर्थ है जिसका आदि यानी प्रारंभ न हो। तीनों का ही जो है आप अपना गुण कर्म स्वभाव रूप में है। परमपिता परमात्मा एक ही है और ये जितना भी ब्रह्मांड है बहुत विशाल तम है। इसके आर पार पहुंचना असंभव है। जीवात्मा बहुत है, हमारी गिनती से बाहर की बात है। परमात्मा के ज्ञान में निश्चित हो सकते हैं, किंतु मनुष्य का इतना ज्ञान नहीं कि इनकी गिनती तक पहुंच पाए। प्रकृति परमाणु रूप में है। समावस्था जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के परमाणु हैं उनकी जो साम्य अवस्था यानी अस्तित्व है जड़ रूप में, उसको प्रकृति नाम से कहा जाता है। जीवात्मा अल्पज है, चेतन है। प्रकृति और इससे बने हुए जितने ये पदार्थ हैं ये सब जड़ हैं। परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। वैसे गुणों का भंडार परमात्मा है। जीवात्मा सच्चित सत विद्यमान है, अभाव नहीं भावम है। चित चेतन है किंतु अल्पज है। प्रकृति जो है सत्य मात्र है, कारण कार्य भाव चलता रहता, बनते बिगड़ने की बात है। मनुष्य की जीव आत्मा की इच्छा बनती है कि मैं सुख विशेष को, जिसको हम आनंद नाम से कहते हैं उसकी प्राप्ति हो। सुख सामान्य रूप में सांसारिक पदार्थों की अनुकूलता, चाहे खान पान के हैं, चाहे देखने के हैं, चाहे दूसरे व्यवहार के जो अनुकूल हैं, उनमें सुख की प्रतीति हो जाती है। वह कोई विशेष प्राप्ति की बात नहीं है। जीव आत्मा आनंद चाह रहा, सुख चाह रहा, प्रकृति में नहीं, उसके पास नहीं, फिर कहाँ है? जहाँ है वहीं से तो मिलेगा। परमात्मा आनंद का भंडार है, तो परमात्मा को प्राप्त करना आनंद वहाँ से ही मिलेगा। इसका माध्यम स्तुति, प्रार्थना, उपासना, योगाभ्यास है। और जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण आदि प्रकृति महत्त्व अहंकार और उससे फिर जो है वो भय इंद्रिय
पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, मन आदि पांच तन मात्राएं, पांच स्थूल भूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी आदि, ये सारा तंत्र है। अब आनंद मिलना है परमात्मा से। अब परमात्मा ऐसे रूप में तो नहीं है कि हथेली पर रखा हुआ है, या जैसे पात्र थाली आदि के अंदर जो है कोई पदार्थ है स्वादिष्ट है, उसको झट मुख में डालने उसका स्वाद आकर कोई सुख की प्रतीति हुआ करती है, तो वैसा रूप तो है नहीं। परमात्मा निराकार व्यापक रूप में है। जीवात्मा भी कोई आकार वाला नहीं है, जीवात्मा भी जो है आकार रहित है, ये में कोई संदेह नहीं है। तो आनंद परमात्मा से मिलेगा। परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए जैसे सांसारिक व्यवहार में शब्द अर्थ संबंध का व्यवहार चलता है, वैसे ही परमात्मा के साथ सानिध्य करना, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचना, कुछ वह प्रक्रिया आध्यात्मिक रूप में उसका भी अपना जो है अस्तित्व है, स्वरूप है, उसको अपनाए बिना बातें परमात्मा तक पहुँचने की नहीं हुआ करती। परमात्मा का जो है आह्वान है, नाम आदि हैं, परमात्मा के अनंत नाम हैं, किंतु मुख्य निज नाम परमात्मा का ओम है। क्योंकि शब्द अर्थ और संबंध ये तीन चीज हुआ करती है, नाम नामी और व्यवहार करने वाले, तो परमात्मा का निज इसलिए है केवल परमात्मा का ही वाचिक ओम शब्द जो है वह है और पदार्थ का नहीं है। क्योंकि ओम शब्द का जो अर्थ है वह केवल परमात्मा घटता है, दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं किसी भी रूप में है, सूक्ष्म है, स्थूल है या दूसरे रूप में है, वह संबंध जुड़ता नहीं है। लिए परमात्मा अवधातु रखने कई अर्थ हैं। पहला अर्थ है रखने, तो जो रक्षा करने वाला है वह जो है ओम शब्द का जो ओम वाचक परमात्मा वाच्य है वह रक्षा करने वाला परमात्मा है। उसकी अपनी सीमाएं हैं, संबंध है, जैसे बच्चा गर्भ में है वहाँ रक्षा परमात्मा ही करता है, परमात्मा की व्यवस्था जो है जरायु आदि की बात पे है, जेरों में लिपटा हुआ परमात्मा की व्यवस्था है, वह व्यवस्था किसी डॉक्टर की, किसी माता पिता की या किसी और की नहीं बन सकती है, असंभव है, बात उनके लिए हुआ करती है। परमात्मा यहाँ रक्षा कर रहा है। और जो है पैदा होने पहले तो माता की नाभि से नाभि बच्चे की जुड़ी हुई है, और माता जो खाती पीती उसका सूक्ष्म अंश बच्चे के शरीर रूप जो है वहाँ आवश्यकता अनुसार प्राप्त हो सकता है होता है। जैसे डॉक्टर ग्लूकोज रोगी को चढ़ाते हैं, ऐसी ही स्थिति वहाँ है। तो इसलिए जो है पैदा होता है, फिर माता के दूध में दूध हो जाता है, फिर पशु आदि फल आदि दूसरी चीज़ें हैं, ये सारी व्यवस्था परमात्मा की ही है। इसलिए परमपिता परमात्मा, क्योंकि आत्मा जीवात्मा का भी वाचक है और परमात्मा का भी है। अत धातु सतत गमने, इसे आत्मा शब्द व्याकरण बनाता है। तो जीवात्मा जीव प्राण धारण जो प्राणों के माध्यम से जीवित रहता है वह जीवात्मा, और परम जो सबसे उत्कृष्ट आत्मा है वह परमात्मा है। तो परमात्मा को प्राप्त करना है, तो ओम शब्द जो है यह व्याकरण के द्वारा जो है ए उ म तीन अक्षर बन गए,
और यहाँ अ आदगुण एक सूत्र है व्याकरण का, ऐसे पर अस्वर्णी अच पर हो वो हो जाता है, अ मिलकर ओ बन गया, म हलंत है। किंतु जैसे ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीन प्रकार का उच्चारण बनता है, तो यहाँ परमात्मा को जो है पुकारने में जो है प्लुत ओम इस रूप में बनता है। तो परमात्मा की तरफ जाना है तो परमात्मा के नाम का आह्वान करना है, परमात्मा ओम के द्वारा विशेष जप का अर्थ है। ओम शब्द जो है वह परमात्मा का वाचक और ओम के द्वारा जप गायत्री आदि मंत्र उनका भी जप है। जो शब्द का उच्चारण होता है उसका संबंध जोड़ा करता है। और यहाँ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के माध्यम से इन प्रक्रियाओं को जो है अपनाना पड़ता है। पांच ज्ञान इंद्रियाँ, पांच कर्म इंद्रियाँ, मन, ये जो है रजोगुण से बने हुए और बाहर इनके विषय जो हैं देखने का है वह बाहर रूप है, उधर जो है चक्षु इंद्रिय लालायित रहती है, शब्द सुनने की बात है बाहर है, और श्रोत्र इंद्रिय सुनने की बात और वहाँ भी अनुकूलता आदि की बात, ये पांच विषय हैं जो है रूप रस गंध आदि स्पर्श आदि पांच विषय हैं। इनमें जो है बाहर इनके पदार्थ हैं, अंदर जो इंद्रियाँ हैं, इंद्रियों के द्वारा उनको ग्रहण किया जाता है और उधर ही आकर्षण जोड़ा हुआ होता है, उधर से मन को हटाना है और परमात्मा की तरफ ले जाना है। तो उसके लिए कुछ अवलंबन कुछ जो है प्रक्रिया तो होनी चाहिए। तो वो परमात्मा को जो है ओम जप के द्वारा तस्य वाचक प्रणवय, उस परमात्मा का वाचक जो है प्रणवय, प्रणवय इसका ही ओम का ही वाचक है। कुछ ऐसा भी कहते हैं पर नवह प्रणवय बन गया, रह से परे जो है नय को नय हो जाता है, जो नया ही रहता है, कभी पुरानी बात नहीं। सांसारिक वस्तुओं को हम देखते हैं, उपभोग करते हैं, चाहे कितनी स्वादिष्ट है हलवा है, सत पकवान है, आवश्यकता है वहाँ तक स्वादिष्ट भी लगता है, रुचि भी बनती है, और उसे अधिक मात्रा में जो है उसका सेवन करना वह जो है बड़ा दुखदायी भी बन जाता है, वहाँ से जो है उपेक्षा भी बन जाती है, खाने वाले का जी भी उब जाता है। लेकिन परमात्मा के जप आदि ये नहीं है, वहाँ तो नवीनता इच्छा और भी अधिक बढ़ती चली जाती है। परमात्मा का जो है अधिक ध्यान किया जाए, ध्यान निर्विषय मन ध्यान की प्रक्रिया जो विषय बने पांच बतलाई रूप रस गंध आदि ये इनसे निर्विषय हो जाना है। मन के अंदर जो है अंतःकरण है, बहिर्करण है, बहुत बड़ा तंत्र है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है, परमात्मा की प्राप्ति संभव है। लेकिन ऐसे नहीं, छो मंत्र नहीं है, ये जो है मन के अंदर जो है अंतःकरण में मान लो बुद्धि चित्त अहंकार आदि जो हैं जो संस्कार पड़े हुए हैं उनको जो है दग्ध बीज करना है, दग्ध अर्थ जलाना। जैसे बीज है, बीज को आप अभी आगे चना बोया जाएगा, गेहूँ बोया जाएगा, बाहर में उसको भून करके जो है आप भूमि में डालेंगे बोएंगे तो अंकुरित नहीं होगा क्योंकि दग्ध बीज हो गया। तो इसी प्रकार जो संस्कार पड़े हुए हैं अंतःकरण में वह दग्ध बीज योगाभ्यास रूपी अग्नि में जो दग्ध बीज किए जाते हैं और फिर मोक्ष की बात है। तो ओम परमात्मा का मुख्य निजाम है, मुख्य सबसे जो है मुख्य है, ओम के ग्रहण में सबका ग्रहण हो जाता है, मुख्य के ग्रहण में गौण का ग्रहण होता है और दुनिया के किसी पदार्थ का वाचक नहीं है। तो कहा तस्य वाचक प्रणवय, वो परमात्मा का बतलाने वाला जो है नाम पुकारने के लिए वह प्रणवय ओम है। तब जब तदर्थ तब हमने वो जब करना ओम का
और जो है उसके अर्थ आदि जो है रक्षा करना आदि, निराकार व्यापक आनंद स्वरूप आदि, ये मन के अंदर जो है दृढ़ मूल रूप में जो है समाविष्ट जो है वह होना चाहिए, जिससे वो तारतम्यता जुड़ी हुई हो। जिस प्रकार से अग्नि या जल है, हमारा ये पदार्थों से संबंध गहन है, और जब भी जल अग्नि की बात आती है तो हमारे विचारों में, हमारी भावना में वह सारा समाविष्ट होता है। इसे ये लाभ है, ये गुण है, ये अर्थ है। ऐसे ही ओम शब्द का परमात्मा के संबंध में भी होना चाहिए। तो ओम परम जप ओम को माना गया है, और परमात्मा आनंद स्वरूप है, और आनंद मिले कैसे? जिस प्रकार से जो है एक मनुष्य जो है वह ठंड से ठुठर रहा है, व्याकुल है, प्राणी निकलने हो रहे हैं, इतनी भयंकर ठंड उसको लगी हुई है, तो वो क्या करता है? अग्नि की उपासना करता है। उपासन उपकार से सानिध्यम, आसन का अस्तित्व तो होना है तो अग्नि के सानिध्य आता है। अग्नि का गुण गर्मी है, उसके अंदर वह गर्मी प्रविष्ट होती है, और जो है अग्नि जो है वह औषधि है ठंड की, तो वो ठंड दूर हो जाती है। सांसारिक दुख आदि हैं, ये भी जब परमात्मा के सानिध्यम उपासना आदि के द्वारा पहुंच जाते हैं तो वो आनंद जीवात्मा के अंदर जो है अस्तित्व हो जाता है। जिस प्रकार से लोहे के अंदर, अग्नि के अंदर लोहे को डाल दो, अग्नि सूक्ष्म है और उसका अग्नि का गुण लोहे में आ जाता है, लोहा भी लाल बन जाता है, गर्म हो जाता है। इसी भांति जो है जीवात्मा की भी स्थिति है। परमात्मा ने जैसे लोहे में अग्नि होती है, ऐसे ही परमात्मा का आनंद है उसमें जो है प्रविष्ट हुआ करता है। इसलिए प्रक्रिया अब भौतिकवाद सांसारिक चहल पहल जो है शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति और अर्थ आदि, ये एक दौड़ लगी हुई है, किंतु आध्यात्मिकता में जहाँ के अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार जीवात्मा परमात्मा उनका जो है अंतर्मुखी ध्यान आदि करना, समझ जोड़ना, बाहर के विकारों से बचना, ये जो है परमपिता परमात्मा को जाने, उसके नाम के बिना, उसके स्थान के बिना कहाँ रहता परमात्मा, क्या काम है, ये जब तक विचार नहीं बनते हैं, संस्कार नहीं बनते हैं, तब तक परमात्मा की तरफ जो है वह प्रवृत्ति आंतरिक प्रवृत्ति हुआ करती है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति जो है कामा आतुर है और वह उसके अंतःकरण के अंदर वो विचार कामा आतुर का घूमता ही रहता है, एक विचार मन से जो लोभी है दूसरे के पदार्थ का अपहरण करने वाला, वह विचार उसके अंतःकरण में घूमता रहता है, और मौका लगने पर, निमित्त बनने पर वह उधर प्रवृत्त भी हो जाया करता है। इसलिए जो है ओम परमात्मा का मुख्य नाम है। ओम साथियों, वर्तमान समय में यदि आप अपने बच्चों को अच्छे विचारों से संस्कारित करना चाहते हैं तो आप आर्य समाज विचारधारा से, वैदिक विचारधारा से तैयार मिशन आर्यवर्त ऐप को जरूर सब्सक्राइब करें, डाउनलोड करें, और इसमें हर तरह की अच्छी बातें आपको जरूर मिलेंगी। इसको दीक्षेंद्र आर्य जी द्वारा तैयार किया गया है, और ये आपके परिवार के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके बच्चों को एक सही दिशा पर ले जाने का।